हेलो दोस्तों, मैं अरेली सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस बाइकर। सो आज की ये जो वीडियो है ये है हेलमेट बाइंग के वक्त जो भी लोग गलतियां करते हैं उनके बारे में। अब ये सारी गलतियां ऐसी नहीं है कि आपको साइज छोटा बड़ा नहीं लेना है, आपको इस कंपनी का हेलमेट नहीं लेना है। इन सारी गलतियों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं एंड उन गलतियों को वापस ही आपको दिखा के कुछ मतलब नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जहाँ पे लोग उसके बारे में भूल जाते हैं एंड बाद में जो है उन्हें बहुत दिक्कत आती है। सो इन्हीं सारी गलतियों को जो है मैं आज आपको पॉइंट आउट करूंगा जिससे आपको भी जो है वो आपका नया हेलमेट चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो कि लोग अक्सर गलती कर देते हैं हेलमेट खरीदते वक्त, तो वो है बहुत ज्यादा ओवर ग्राफिकली डिजाइन हेलमेट खरीदना, बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट कलर वाला हेलमेट खरीदना, बहुत ज्यादा टैंगी हेलमेट खरीदना। तो अब एज अ बाइकर मुझे भी पसंद है थोड़ा सा ब्राइट ग्राफिक्स हो, थोड़े से चंकी ग्राफिक्स हो, तो वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड इवन अट्रैक्टिव भी लगता है। एंड एज अ बाइकर हर कोई जो है वो नियॉन और बाकी सारे जो भी कलर्स होते हैं ब्राइट कलर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली अपने राइडिंग गियर्स में। हालांकि जनरल लोग तो इस चीज को छपरी ही बोलते हैं, बट जो भी बाइकर कम्युनिटी से है वो लोग मेरी बात के साथ जो है वो सहमत हो पाएंगे। सो हम जो है वो अक्सर जब भी हेलमेट लेने जाते हैं तो हम शॉप में बहुत सारे ऐसे ब्राइट कलर हेलमेट देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड हम जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी उन हेलमेट से हो जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जितना हेलमेट जो है वो आपको शुरुआत में ब्राइट जितना ज्यादा टैंगी दिखता है, वही ओवर टाइम आप उसी सेम हेलमेट को पहन के जो है वो धीरे धीरे बोर होने लगोगे। तो जब भी आप हेलमेट खरीदने जाए तो ट्राई कीजिए कि ग्राफिक्स जो है वो थोड़े से मिनिमल हो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि एकदम ही प्लेन हेलमेट ले लो, एकदम ही कोई सॉलिड कलर का हेलमेट ले लो। हाँ, अगर आपके ऐसी पसंद है तो आप ले सकते हैं, बट थोड़े बहुत अगर ग्राफिकल एलिमेंट होंगे तो थोड़ा सा बाइक के साथ सूट भी करेगा एंड थोड़े से अगर मिनिमलिस्टिक डिजाइन होगा तो लंबे टाइम तक आप उस डिजाइन से बोर नहीं होंगे। तो ये सबसे पहली गलती जो कि लोग अक्सर करते हैं। तो दूसरी गलती जिसे लोग अक्सर जो है वो भूल जाते हैं इस चीज को पॉइंट आउट करना, वो होता है डबल डी रिंग। अब डबल डी रिंग से जो है वो क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि डबल डी रिंग इज अ सेफेस्ट ऑप्शन फॉर हेलमेट। अगर आप जो है वो डबल डी रिंग एंड क्विक रिलीज दोनों को कंपेयर करेंगे तो डबल डी रिंग जो है वो बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है देन क्विक रिलीज। बट जब भी हम बात करते हैं सिटी वगैरह में यूज करने की, देन डबल डी रिंग इज अ वेरी अनोइंग, क्योंकि मैंने अक्सर अपने दोस्तों को देखा है कि उनके पास डबल डी रिंग वाले हेलमेट है एंड वो जो है वो अक्सर उलझे रहते हैं यार वो डबल डी रिंग में अपना स्ट्रैप डालने के लिए। एंड सिटी में क्योंकि हम बार बार हेलमेट निकालते हैं, किसी से बात करनी है तो हेलमेट निकाल लिया, कहीं पे जाना है, सो ऐसे अगर आपको बार बार हेलमेट निकालने की नीड पड़ती है सो नॉट गो फॉर अ डबल डी रिंग। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे हेलमेट्स आते हैं जिसमें जो है वो मेटल का क्विक रिलीज मिलता है। अब मेटल का क्विक रिलीज भी एक सेफर ऑप्शन होता है। सो अगर आपका ऐसा यूज है कि ज्यादातर आप सिटी में ही जो है वो घूमते हैं, देन गो फॉर अ क्विक रिलीज मैकेनिज्म देन डबल डी रिंग। सो इस चीज का जो है आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरी कॉमन गलती जो कि मैंने लोगों को अक्सर करते हुए देखा है वो है बहुत ज्यादा फीचर लोडेड हेलमेट लेना। अब हर किसी को हेलमेट में ज्यादा फीचर आए वो तो पसंद होता ही, हर कोई चाहता है कि मेरे हेलमेट में जो है वो तीन चार बड़े बड़े अलग अलग जगह पे वेंट्स हो, हर कोई चाहता है कि मुझे जो है वो सन वाइजर जिसे हम ड्यूअल वाइजर बोलते हैं वो सारी चीजें, वो सारे मैकेनिज्म्स मेरे हेलमेट में हो। एंड ये सारी चीजें होना जो है वो आपके राइडिंग को थोड़ा सा कन्वीनियंट तो बनाती है, बट जब भी हम बात करते हैं डेली यूज के बारे में तो उस टाइम पे अगर आपका हेलमेट जो है वो इन सारे फीचर्स के साथ हमें आता है तो अक्सर उस हेलमेट का जो वेट होता है वो 1500 प्लस ग्राम से हो जाता है, क्योंकि ड्यूअल वाइजर का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा वेट लेता है। उसके अलावा जो बड़े बड़े वेंट्स डिजाइन किए जाते हैं उसका वेट भी अलग ही होता है। तो अगर आपको इतने ज्यादा फीचर को डेली यूज में नहीं लेना है, कौन ही यार सिटी वगैरह में सन वाइजर वो सबका यूज लेता है, सो अवॉइड किया करो इन एक्स्ट्रा फीचर्स को। एंड इन एक्स्ट्रा फीचर
फीचर्स के लिए ज्यादा पैसा देना भी मैं जो है वो कहूंगा कि अवॉइड ही किया करो। अगर आपको बाद में सन वाइजर की जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो अपना मेन वाइजर होता है उसे मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो आप बाद में उसे इंस्टॉल करवा लीजिए जब भी आपको जरूरत पड़े, बट उन सारे फीचर्स के लिए जो है वो एक्स्ट्रा पे मत किया करो। एंड उन फीचर्स को हमेशा अपने सर पे लेके जो है वो अपने सर का लोड भी मत बढ़ाया करो। सो ये गलती भी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप जो है वो हेलमेट को चूज करते हैं। अब अगली गलती जो कि अक्सर लोग कर देते हैं ओवर एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी में हेलमेट चूज करने में, वो ये है कि जब भी वो लोग हेलमेट लेने जाते हैं तो उनकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज के बारे में रिसर्च नहीं करते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी हेलमेट पसंद हो प्लीज उनके आफ्टर मार्केट एसेसरीज के अवेलेबिलिटी देखो, उनके प्राइसिंग देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो हेलमेट तो आपको सस्ते में अच्छे जो है वो फीचर के साथ अच्छी सेफ्टी के साथ दे देती है, बट फ्यूचर में अगर आपको उसकी एसेसरीज खरीदने हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है, उनके वाइजर्स बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं, पैडिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, एंड कई हेलमेट्स की तो ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज अवेलेबल ही नहीं होती। सो ऑलवेज चूज अ हेलमेट की जिनकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज आसानी से अवेलेबल है एंड आपको सस्ते प्राइस में मिल रही है। सो इस चीज का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक लास्ट एक गलती तो मैं नहीं बोलूंगा, एक टिप मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो सेफ्टी वाला जो पार्ट है ये एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है, ये कभी भी खर्चे में जो है वो आपको काउंट नहीं करना है। एंड आई सजेस्ट यू कि जब भी हेलमेट खरीदते हो तो आपके हिसाब से जो भी सेफेस्ट ऑप्शन हो, जो भी ज्यादा से ज्यादा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना जो है वो प्लीज इस चीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बार जो है वो इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर जो है वो लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगा अगर अच्छे से संभालोगे। एंड ये जो है वो एक लाइफ सेवर चीज भी बहुत से लोगों के लिए बनी है, एंड आपने भी बहुत से लोगों को सिर्फ इस चीज की वजह से बचते हुए देखा है। सो प्लीज बाइकर्स गो फॉर अ सेफेस्ट ऑप्शन विच यू कैन अफोर्ड, एंड एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि सेफ्टी हमेशा थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे ही मिलती है, बट इसे जो है वो अगर आपने खर्चा गिन लिया तो आपको सब एक्सपेंसिव लगेगा। तो बस यही है आज की वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय।